तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मोमोज की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले डो बनाने जा रही हूँ। देखें मैं कैसे बनाती हूँ। एक कप आटा लिया है, मैदा लिया है। आटा से भी बनता है, वो ज़्यादा हेल्दी होता है, लेकिन अभी मैं मैदा से बना रही हूँ। इसमें 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। तो इसको थोड़ा सा मिला लेना है ऐसे करके, ताकि इसमें जो लम्स हैं वो ना रहें। इसके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंद लूँगी और फिर इसको कुछ देर के लिए आराम करने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद में दूसरे सारे सामान तैयार करूँगी जो इसके स्टफिंग के लिए होगा, और तब तक ये फूल जाएगा और बनाने के लायक हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक बार में डालने से ये बढ़िया से गूंदेगा नहीं और शायद गीला भी हो जाए। गीला होने के बाद जो मैदा और मोयन का जो रेशियो है, हो सकता है वो गड़बड़ हो जाए। लिया है और इसको बढ़िया से बोल करके कुछ देर के लिए स्टे करने छोड़ दूंगी। जब मैं फिर बनाने के लिए इसको निकालूंगी, उसमें फिर एक बार इसको थोड़ा सा भूनना पड़ेगा, थोड़ा इसमें तेल दे देना है ताकि ये सूख नहीं जाए। जो सामग्रियां हैं उनको मैं दिखा रही हूँ। ये है चिकन, ये प्याज है। ये चिकन को कीमा की तरह कटवा के इसको मैंने उबाल कर रख लिया है, और ये प्याज है, ये लहसुन है जिसको मैंने छील कर कूट लिया है, ये 3 हरी मिर्च हैं। जितनी जरूरत होगी उतना डालूंगी, आप अपने परिवार के टेस्ट के हिसाब से डाल लें। अगर बच्चे खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये अदरक है, 1 इंच के बराबर का टुकड़ा है, थोड़ा सा रखूंगी और सारे डाल दूंगी। ये तेल है और ये सोया सॉस है, और इसमें विनेगर भी लगेगा और नमक। अब मैं शुरू करती हूँ। और ये जो इसको स्टफिंग के लिए मैं कैसे डालती हूँ, सब आप ध्यान से देखें और मेरी तरफ से बनाने की कोशिश करें। अगर अच्छा लगा खाने में तो मैं बताऊंगी, और आप अगर इसी तरीके से बनाएं और अगर मुझसे बेहतर हो तो प्लीज़ आप भी कमेंट करके बताएं कि आपने और बेहतर बनाया। स्टीम्ड होता है इसीलिए हेल्दी होता है। ये बहुत कम मात्रा में इसमें तेल दिया जाता है, सिर्फ इसके स्टफिंग में 2-3 चम्मच तेल डालूंगी, और इसके अलावा ये स्टीम हुआ तो खाने में तो बहुत अच्छा भी लगता है और ये हानिकारक भी नहीं होता। ये मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। ये तेल डाल रही हूँ, लगभग 2 टेबल स्पून। इसको थोड़ा गर्म होने दूंगी, उसके बाद अगला प्रोसेस दिखाऊंगी। अब मैं इसमें एक एक करके डाल रही हूँ ये प्याज। थोड़ा सा इसको चलाना है, स्टीम करना है। लहसुन है,
अदरक है, ये मिर्ची है, मिर्ची मैं डाल रही हूँ, आधा डालूंगी, चार मिर्ची है और दो मिर्ची डालूंगी, आप तो चाहें तो डालें, ना चाहें तो मत डालें। अब मैं ये चिकन का जो पीस है जिसको मैंने कीमा करवा कर मंगाया था और इसको मैंने उबाल कर रख लिया था, तो ये मैं डालने जा रही हूँ। लगभग 300 ग्राम है चिकन का पीस। ये नमक है, नमक स्वाद अनुसार पड़ेगा। अब इसमें मैं कुछ मसाले भी डालूंगी, ड्राई मसाले। ये ब्लैक पेपर है पाउडर, ये डालना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च है, इसको भी मैंने कलर के लिए थोड़ा सा डाल दिया है। फीका सा हल्दी, एक चुटकी के बराबर हल्दी। फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम टू लो करना है, हाई फ्लेम में ये थोड़ा सा जल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। यह है सोया सॉस, इसको मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। यह है चिली सॉस, इसको भी 1 चम्मच के बराबर डाल दिया मैंने। अब इसे सबको अच्छी तरह से मिलाना है। लोग मोमोज अलग अलग तरीके से बनाते हैं, जिनको जो मसाले पसंद होते हैं, जिनको जो टेस्ट पसंद होता है, उसी तरह से वो मसाले वगैरह डालकर बनाते हैं। मैंने ये सब डाला है, इसका एक अलग टेस्ट आ रहा है, अच्छी सी खुशबू आ रही है। आप देखें और बनाए। ये स्टफिंग के लिए तैयार है। अब मैं इसका फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जब ठंडा होगा तो मैं फिर उसको स्टफ करूँगी। स्टफिंग के बाद उसको कैसे उसका मुंह बंद करते हैं वो दिखाऊंगी, मोमोज उसके बाद में स्टीम करूंगी। हो चुके हैं, अब मैं इसको निकालती हूँ और देखती हूँ इसकी क्या स्थिति है। उसके बाद इस डो से मैं मोमोज के लिए पूरी बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। काफी अच्छा है और सॉफ्ट हो गया है थोड़ा और फूल भी गया है। तो मैं एक बार इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ इसके।
इस साइज के सारे गोले काट लूंगी। ये 12 गोले बने हैं, मतलब एक प्लेट बन जाएगा इससे। ये मैंने इसकी एक रोटी बना ली है। अब मैं इसमें 1 चम्मच के बराबर बीच में रखना है और इसको दोनों तरफ से इस तरह से पकड़ना है। और ये तरीका है कि इसको ऐसे पकड़ें और इसको ऐसे पकड़ें ऐसे पकड़ें और इस तरह से इसकी प्लेट्स बनाते जाएं। कई तरीके से बनते हैं मोमोज, एक ही तरीका है और ध्यान रहे कि ये चिपक जाए। एक दूसरे तरीके का मैं बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह से एक बार इधर से एक बार इधर से फिर 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 एक बार इधर से एक ही हो गया। और भी एक तरीके से होता है, डिजाइन अपनी मर्जी पे है, खाने में सब बराबर लगते हैं। ये बिल्कुल पोटली की तरह हो गया। इसका
आप जैसे चाहें वैसे बनाएं और जो आसान हो वो बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा परेशानी उठाने की, कोई काम जरूरत नहीं है। और अब इसके बाद में सारे बनाकर स्टीम करके दिखाती हूँ। यह है मेरे मोमोज की डिज़ाइन। आप इसमें दो तीन तरह की डिज़ाइन है, एक तो ये पोटली है, एक नाव है, एक चको गोल है ये, और फिर एक बिल्कुल एक ये डिजाइन। थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लिया ताकि वो चिपके ना। मैं इसमें मोमो सेट करने वाली हूँ। इसे मैं 20 मिनट के लिए सेट कर के लिए चढ़ा दिया है। 20 मिनट के बाद मैं इसे निकालूंगी। 18 मिनट होने को हैं। अब मैं देखती हूँ कि ये तैयार हुआ है या ये बन गए और कितने अच्छे दिख रहे हैं, चमकीले भी दिख रहे हैं। मैं इन्हें सर्व करती हूँ। ये मोमोज हैं, इसे चटनी के साथ सर्व किया है मैंने, और इसमें मैं थोड़ा सा ग्रीन चटनी भी यूज़ करने वाली हूँ। मैंने थोड़ा सा पुदीने की चटनी को भी शामिल किया है। अच्छा लगता है इसके साथ भी खाने में, तो प्लीज़ आप इसे देखें, इसे बनाएं, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और एक बेल बटन जो आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।